मैं प्रशांत शाह, जमशेदपुर कॉपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम लोग देखेंगे कोर्स स्ट्रक्चर और उसके बारे में जानेंगे कैसे क्या पढ़ना है। आप लोग सबसे पहला बात की आप लोग बुक ले लीजिएगा, सरस्वती पब्लिकेशन का ले लीजिएगा, है ना, सरस्वती पब्लिकेशन का आप बुक ले लीजिएगा सबसे पहले, है ना। उसको उसमें कोर्स स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ऐसे हम बता देते हैं। पहला एक नंबर है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जो कि आपका 5 मार्क्स का आता है। दूसरा नंबर है हम लोग का प्रोग्रामिंग है, थ्योरी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग है जो कि आपका आता है कितने मार्क्स का, आपका आता है 35 मार्क्स का। और 35 में उसमें थ्योरी भी रहता है, इसमें प्रोग्रामिंग प्लस थ्योरी भी है प्रोग्रामिंग का। और ये आता है, ये 40 मार्क्स का हो गया। थर्ड नंबर में आपका है थ्योरी है, थ्योरी है, ये आपका आता है 30 मार्क्स का। ओवरऑल 70 मार्क्स का आता है, अभी तो उसको रिड्यूस करेगा। 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल में होता है क्या, प्रैक्टिकल होता है आपका 30 मार्क्स का, ओवरऑल 100 मार्क्स का आता है। एक्चुअली ये 70 मार्क्स का नहीं, अभी जो एग्जाम हो रहा है ऑब्जेक्टिव, कभी 50 का पूछ देता है, फर्स्ट टाइम में 100 का पूछ दिया था, अभी क्लैरिटी नहीं है उसका अभी सिलेबस में इसलिए। लेकिन हम लोग इस तरह से फॉलो करेंगे, ठीक है, इस तरह से फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं, नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम क्या होता है, तो नंबर सिस्टम उसका थ्योरी हम नोट्स में भेज देंगे, अभी हम ये यूट्यूब का लिंक भेज रहे हैं ताकि आपको क्लास तरह का फैसिलिटी मिले। तो हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम एक्चुअली 4 तरह का होता है। एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जिसको हम लोग जिसका वैल्यू लाई करता है 0 और क्या 1 और बेस में होता है कितना 2। दूसरा होता है क्या, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका वैल्यू होता है 0 to 7 के बीच में होता है, बेस विल बी कितना 8। थर्ड नंबर होता है क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका वैल्यू होता है 0 to 9 के बीच में लाई करता है और बेस विल बी कितना 10। चौथा होता है क्या, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका 0 to क्या होता है 6, 0 to 9 प्लस ए 2 क्या होता है F होता है और बेस में कितना होता है 6। ये 4 नंबर सिस्टम है, इसी से हम सारा कन्वर्जन पढ़ेंगे, जल्दी से हम लोग कोर्स खत्म करेंगे। पहला बात ध्यान में रखना है कि जो जो हम क्लास में फॉलो करा रहे हैं उसको आपको कोर्स स्ट्रक्चर को देखते हुए समझते हुए चलना है। हम सारा 1 by 1 क्लास करते जाएंगे, अगर मेरा यूट्यूब भी आप लोग देखेंगे तो सारा क्लैरिटी मिल जाएगा, सारा कुछ आप समझ सकते हैं, समझ में है। तो आज खाली इंट्रोडक्शन हम देते हैं कि आप लोग अच्छा से पढ़िए, जो क्वेरी होगा आप लोग जब ऑफलाइन होगा तो उसमें आप क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप ग्रुप में कोई मैसेज कमेंट्स नहीं करेंगे और सीधा हम अपने अनुसार जितना बेस्ट हो सकता है हम यूट्यूब बना के आपके ए में डालते रहेंगे। ओके, थैंक यू। और आप लोग अपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया कीजिए, है ना, थोड़ा इसको फेमस किया कीजिए, ठीक है, थैंक यू।